हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू साइड इफेक्ट चैनल। चैनल को सब्सक्राइब कर लो स्पेशली फॉर द टेस्ट नेट। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे पीआईटी एंड पीआई के इंस्ट्रक्शन के बारे में, तो ये वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। तो सबसे पहले आपका कॉल लेटर फॉर द पीआईटी एंड पीआई 2020 कुछ ऐसा दिखता है। यहाँ पर आपका इमेज होगा, ठीक है, फोटो होगा आपका, रजिस्ट्रेशन नंबर, नेम ऑफ द कैंडिडेट, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, ईमेल आईडी, ये सब आपका इन्फॉर्मेशन दिया होगा, और आप किस किस प्रोग्राम में सिलेक्ट हुए शॉर्टलिस्ट वो भी दिया होगा, और लोकेशन भी दिया होगा। अगर आप मुंबई में सिलेक्ट हुए तो मुंबई में दिया होगा, या आप तुलजापुर में सिलेक्ट हुए तो तुलजापुर में दिया होगा, या मुंबई या हैदराबाद मुंबई के साथ तुलजापुर में भी सिलेक्ट हुए तो तुलजापुर भी दिया होगा। तो सबसे पहला जो कि मैं कमेंट पढ़ा था, कल को पढ़ा था कि सर क्या पीआईटी एंड पीआई सेम डे को होता है, तो हाँ पीआईटी एंड पीआई सेम डे को ही होगा, चाहे आप एक प्रोग्राम के लिए सिलेक्ट हुए हो या दो प्रोग्राम के लिए सिलेक्ट हुए हो या तीन प्रोग्राम के लिए सिलेक्ट हुए हो विथिन मुंबई कैंपस या तुलजापुर कैंपस। अगर आप मुंबई कैंपस में ही तीनों प्रोग्राम के लिए सिलेक्ट हुए तो एक ही दिन में आपका हो जाएगा। अगर आप मुंबई में भी सिलेक्ट हो गए हो, हैदराबाद में भी सिलेक्ट हो, तो पहले तो मुंबई कैंपस में आपको जाके इंटरव्यू देना पड़ेगा पीआई एंड पीआई, एंड फिर हैदराबाद कैंपस भी आपको जाना पड़ेगा। तो जो भी स्टूडेंट अगर तीन प्रोग्राम में सिलेक्ट हुए हैं, दो प्रोग्राम में सिलेक्ट हुए हैं या एक ही प्रोग्राम में सिलेक्ट हुए हैं, तो उनका सेम डे ही पीआईटी एंड पीआई हो जाएगा, सेम डे को ही, ठीक है। तो उसी डे का रात का आप टिकट ले सकते हो 8 बजे के बाद भी, कभी भी 8 बजे के बाद कभी भी, मतलब कि 10 बजे रात को तक ले लेना, क्योंकि ट्रैफिक बहुत ही रहती है वहाँ पे मुंबई पे। तो आपको ट्रेन पकड़ना हो या फ्लाइट लेना हो तो रात का आप ले सकते हो, नहीं तो आप रुक भी सकते हो अपने होटल में, ठीक है। ये जो पूछ रहे थे उनके लिए मैं बोल दिया हूँ, तो सेम डे को ही हो जाता है, तो 8 PM के बाद कभी भी ले सकते हो आप, ठीक है। जैसा कि रिपोर्टिंग टाइम, अब आते हैं इम्पोर्टेंट बात। जैसा कि इस कैंडिडेट को बुलाया गया है 12 मार्च को, तो 12 मार्च को इनको रिपोर्ट करना है 7:30 to 8:30 AM सुबह के, ठीक है। तो सारे स्टूडेंट का रिपोर्टिंग टाइम होगा 7:30 to 8:30 AM सुबह, तो ये रिपोर्टिंग टाइम है। इतने टाइम में आपको कैंपस में पहुँच जाना है, ठीक है, और आपको बता दिया जाएगा कि आपको कहाँ पे जाना है। जैसे कि मुंबई कैंपस में आपका दो कैंपस है, एक है ओल्ड एक है न्यू, तो आपको पता चल जाएगा, वो सिक्योरिटी वाले से आप पूछ लेना, ठीक है। एड्रेस यहाँ पे दिया रहेगा आपका पीआईटी का लोकेशन, ठीक है, पीआईटी का लोकेशन, पहले पीआईटी होगा, सबसे पहले पीआईटी होगा फिर पीआई होता है, ठीक है। तो पीआईटी का टाइम यहाँ पे दिया होगा आपका, एंड पीआई का कोई टाइम नहीं दिया गया है, तो पीआई कभी भी आपको करवा सकता है। कुछ कुछ स्टूडेंट का कम गैप है, टाइमिंग है पीआईटी में, तो आप उसका फिक्र मत करो, पीआईटी टाइम पे जाना है, एंड पर्सनल इंटरव्यू आपको कभी भी बुला के करवा सकते हैं, ठीक है। तो पीआईटी जिस टाइम में बोला गया उसी टाइम में होगा, एंड पर्सनल इंटरव्यू आपका बीच में चलता रहेगा, और दोनों ही सेम डे को कंप्लीट हो जाएगा, पीआईटी एंड पीआई भी। नेक्स्ट आते हैं, ये रहा आप लोगों का एड्रेस मुंबई कैंपस का, तुलजापुर कैंपस का, हैदराबाद, गुवाहाटी, नोट डाउन कर लेना। ये मुंबई कैंपस, ये देवनार फार्म रोड बोलोगे तो कोई भी चल जाएगा, ऑटो वाला, कैब वाला, किसी को, सभी को मालूम रहता है ये देवनार फार्म रोड। तो मुंबई कैंपस में यही आपका एड्रेस है, और ये तुलजापुर कैंपस थोड़ा रूरल एरिया में है, तो बहुत ही अच्छा कैंपस है, पहाड़ों के ऊपर है, तो आप जाओगे तो आपको पता ही चल जाएगा। तो सबसे पहले इंस्ट्रक्शन पे चलते हैं। आप यू आर रिक्वायर्ड टू फिल द डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म, पार्ट ए एंड पार्ट बी आपको फिल करना है, ठीक है। प्रोवाइडेड इन योर लॉगिन फॉर एवरी प्रोग्राम दैट यू हैव बीन कॉल्ड फॉर, एंड कैरी ए कॉपी ऑफ द सेम एंड कॉल लेटर विथ ओरिजिनल वैलिड फोटो आईडी व्हाइल अपीयरिंग फॉर द पीआईटी एंड पीआई। तो आप जितने भी प्रोग्राम में सिलेक्ट हुए हैं उतने ही प्रोग्राम में आपको डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म लेके जाना है,
अगर एक प्रोग्राम तो एक डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म, दो प्रोग्राम तो दो डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म, और तीसरा प्रोग्राम तो तीन डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म। पार्ट ए भी जाएगा, पार्ट बी भी जाएगा, दोनों दो प्रोग्राम के लिए जाओगे तो दोनों के लिए पार्ट ए भी पार्ट, एंड थ्री प्रोग्राम के लिए जाओगे तो तीनों के लिए पार्ट ए एंड पार्ट बी। पार्ट ए में कुछ पार्ट आपको पेन से भी लिखना पड़ता है जैसा कि मैंने बताया आपको, तो वो भी लिख लेना, एंड पार्ट बी तो प्रिंट करके आप सारे आंसर को लिख देना। तो डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म वाला वीडियो जरूर देख के जाना। डू नॉट अटैच एनी अदर डॉक्यूमेंट सच एज फोटो कॉपी और मार्कशीट, कास्ट सर्टिफिकेट एक्सेट्रा टू द डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म। तो डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म के साथ कोई भी मार्कशीट अटैच नहीं करना है, कोई भी जीरोक्स फाइल अटैच नहीं करना है, ये सब आपको लेकर भी नहीं जाना है, ठीक है। मार्कशीट, कास्ट सर्टिफिकेट ये सब नहीं लेकर जाना है आपको। ये सब कब चेक होगा, जब आपको एडमिशन मिलेगा, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, तब आपको ये सब चेक किया जाएगा, ठीक है। तो ये सब की ज़रूरत नहीं है, इसलिए मैंने वीडियो बनाया कि क्या क्या डॉक्यूमेंट कैरी करना है, वो वाला वीडियो को भी देख लेना। थर्ड, यू आर नॉट अलाउड टू अटेंड PIT एंड PI ऑन द डेट्स अदर देन असाइंड इन द कॉल लेटर। तो जिस डेट में आपको बुलाया गया है उसी डेट में आपको जाना है, ऐसा नहीं है कि आप किसी भी डेट को चले गए तो ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो आपको एबसेंट कर देंगे, वो ट्रीटेड एज एबसेंट। कुछ लोग करते हैं, बोलते हैं कि मेरा एग्ज़ाम था, मेरी तबीयत ख़राब थी, तो ये सब नहीं करना है। जिस डेट को आपको बुलाया गया है उसी दिन को आपको जाके PIT एंड PI देना होगा, ठीक है, नहीं तो एबसेंट हो जाओगे। और यहाँ पर लिख भी दिया गया है, यू शैल नॉट बी अलाउड टू पार्टिसिपेट इन फर्दर एडमिशन प्रोसेस, नो फर्दर कम्युनिकेशन इन दिस रिगार्ड विल बी एंटरटेन्ड। तो जिस डेट को बुलाया गया उसी डेट को आपको जाना है, और रिपोर्टिंग टाइम आपको मैं बता दिया हूँ। यू आर रिक्वायर्ड टू रीड द डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म, नो डिटेल इंस्ट्रक्शन फॉर द PIT एंड PI केयरफुली। डिटेल इंस्ट्रक्शन पढ़ना है आपको PIT एंड PI के लिए, तो ये लिंक दिया है, इस पर क्लिक करोगे तो लिंक ओपन हो जाएगा, ये वाला लिंक ओपन हो जाएगा, उस पर अगर क्लिक करोगे तो, जो कि यहाँ पे दिया गया है ना, ये लिंक पे क्लिक करोगे तो, मैं ये भी बता दे रहा हूँ कि ये वाला लिंक ओपन हो जाएगा। यहाँ पे PIT एंड PI का फॉर्मेट दिया गया है, तो क्लिक हेयर करके आप डाउनलोड कर सकते हो। अभी तक गुवाहाटी कैंपस का नहीं आया है, मुझे भी मालूम है, तो जब आएगा तो अपडेट करूँगा। तो यहाँ पे आप डाउनलोड कर लिए होंगे, नहीं किए होंगे तो PIT एंड PI फॉर्मेट ज़रूर देख लेना, ठीक है। और यहाँ पे वेटेज दिया गया है कि PIT का 70% वेटेज है, 30% पर्सनल इंटरव्यू का है। अगर आपने ODCL या HRM के लिए अप्लाई किया हो तो 30% TISMAT का है जो आपने दे चुके हो, एंड 40% आपका PIT का होगा, एंड 30% आपका पर्सनल इंटरव्यू का होगा। डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में दिया गया है डिस्कशन, देख लो। पर्सनल इंटरव्यू का क्वेश्चन, जो क्वेश्चन बेस में रखा हूँ, अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो लिंक मैं दे दूंगा इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो है आपके पर्सनल इंटरव्यू के प्रिपरेशन के लिए, तो आप जरूर देख लेना, लिंक दे दूंगा इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। और यहाँ पे पर्सनल इंटरव्यू के बारे में क्या बोला गया देख लेते हैं। कैंडिडेट विल अपियर फॉर ए पर्सनल इंटरव्यू आफ्टर द PIT। देखो, मैं पहले बोला था आपको कि PIT के बाद आपका होगा पर्सनल इंटरव्यू, सबसे पहले PIT होता है। तो दे हैव एडवाइज टू एक्वेंट देमसेल्फ विथ द प्रोग्राम फॉर विच दे हैव अप्लाइड। ए क्वेश्चन मे बी आस्क्ड क्वेश्चन रिलेटेड टू टॉपिक ड्यूरिंग क्वेश्चन आज टू रिलेटेड टॉपिक ड्यूरिंग द PIT। मतलब जिस प्रोग्राम में आप अप्लाई किए उसका नॉलेज जरूरी रखना ज़रूरी है, उस पर भी क्वेश्चन आ सकता है। डाइनिंग हॉल के बारे में बात कर रहे थे, डाइनिंग हॉल सारे कैंडिडेट के लिए है। डाइनिंग हॉल क्या है, जैसे कि सुबह सुबह जाओगे, सुबह ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर भी कर सकते हो आप। यहाँ पर टोकन कटती है, ठीक है, पैसा लगेगा कुछ, बहुत ही चीप है, 40 रुपीज़ या 50 रुपीज़ का टोकन कटता है,
और इससे अच्छा इतना चिप इतने चिप प्राइस में क्वालिटी फूड कहीं पे भी नहीं मिलेगी मुंबई में, तो आप टोकन ले सकते हो। इसलिए ये बताया जाता है सभी स्टूडेंट को कि आप वहीं पे आप खा भी सकते हो, चाहे वो आपका ब्रेकफास्ट हो, लंच हो, डिनर भी हो। डिनर तक रुकना पड़ा तो डिनर भी कर सकते हो। आपके साथ अगर पेरेंट्स भी जाएंगे तो वो भी जा सकते हैं डाइनिंग हॉल में, ठीक है? तो पेरेंट्स का भी टोकन ले सकते हो। किसी जैसे कि फीमेल कैंडिडेट के साथ पेरेंट्स भी जाते हैं, तो आप अपने पेरेंट्स के साथ भी जा सकते हो, पेरेंट्स भी आपके खा सकते हैं यहाँ पे डाइनिंग हॉल में। 40, 50 या 60 रुपीज़ का अभी टोकन शायद मिलता होगा, बहुत ही चीप है और बहुत ही बेस्ट है, तो यहाँ पे जरूर जाना। और फैसिलिटी फॉर द SC ST एलिजिबल कैंडिडेट, जैसे अगर आप अनएम्प्लॉयड हो, SC ST हो और पहली बार टिस्नेट देकर PIT PI देने जा रहे हो और आपका फैमिली इनकम 2.5 लाख से कम है, तो आपको ट्रैवल अलाउंस भी मिलता है। तो ये बात आपको जानना है, तो ये पूरी बातें पढ़ लो। अगर कोई ट्रैवल अलाउंस के बारे में जानना हो तो यहाँ पे आपको टिस्केयर के बारे में दे दिया गया है, एनी क्वेश्चन एडमिशन हेल्पलाइन, वहाँ पे आप जान सकते हो। ओनली फॉर द SC ST कैंडिडेट जिसके फादर का इनकम 2.5 लाख से कम है, कौन से फाइनेंशियल ईयर 18-19 का फाइनेंशियल ईयर में कम है 2.5 लाख से, और पहली बार देने जा रहे हैं और स्टूडेंट अनएम्प्लॉयड है, तो आपको ये ट्रैवल अलाउंस मिलता है। तो ये रहा इंस्ट्रक्शन जो मैं बता दिया हूँ। अब आती है बात, जो भी सोशल वर्क प्रोग्राम के लिए जाएंगे मुंबई कैंपस के लिए, उनका एक ही PIT होगा, चाहे वो तीन प्रोग्राम में सिलेक्ट हुए हो तो उनका एक ही PIT होगा सोशल वर्क प्रोग्राम में, ठीक है? ओनली सोशल वर्क प्रोग्राम में। कौन कौन से प्रोग्राम में होंगे? मुंबई कैंपस के सोशल वर्क प्रोग्राम में, चाहे आप तीन सोशल वर्क प्रोग्राम में सिलेक्ट हो गए हो, दो सोशल वर्क प्रोग्राम में सिलेक्ट हो गए हो, तो एक ही PIT आपको देना पड़ेगा। और PIT का फॉर्मेट अपलोड कर दिया गया है, जो पहले अभी मैं बताया था PIT फॉर्मेट के बारे में, तो एक ही PIT होगा। अब दूसरे वाले कोर्स में ऐसा नहीं होगा, जैसा कि अगर आप डेवलपमेंट स्टडीज में सिलेक्ट हो गए हो, ठीक है, और आप सोशल वर्क के भी प्रोग्राम में सिलेक्ट हो गए हो, तो सोशल वर्क का प्रोग्राम का भी PIT देना पड़ेगा और डेवलपमेंट स्टडीज का भी प्रोग्राम का भी PIT देना पड़ेगा। अगर मान लेते कोई HRM कैंडिडेट, जैसा कि बहुत सारे मेरे कैंडिडेट है जो HRM अप्लाई किए हैं, HRM के साथ साथ दो और प्रोग्राम में सिलेक्ट हो गए हैं, तो उनको भी मैं बता दूं, HRM का भी आपको PIT देना पड़ेगा और बाकी सारे जितने भी प्रोग्राम में सिलेक्ट हुए हो उसका भी PIT देना पड़ेगा और पर्सनल इंटरव्यू भी देना पड़ेगा। अगर आप सोशल वर्क के प्रोग्राम में सिलेक्ट हुए हो दो या तीन, तो एक ही PIT देना पड़ेगा। और बताता हूँ किसमें एक ही PIT है, ऑल सोशल वर्क प्रोग्राम इन गुवाहाटी कैंपस में भी सोशल वर्क प्रोग्राम में सिलेक्ट हो गए तो एक ही PIT देना पड़ेगा, ठीक है? मेंटल हेल्थ चेन्नई कैंपस में, चेन्नई सेंटर है वो। तो मास्टर ऑफ हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन एंड ऑल थ्री मास्टर ऑफ पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम मुंबई कैंपस, यानी कि जो भी हेल्थ हेल्थ सिस्टम स्टडीज में सिलेक्ट हुए हैं तीनों प्रोग्राम में, दो प्रोग्राम में या एक प्रोग्राम, तो एक ही आपका, तीनों प्रोग्राम में सिलेक्ट हुए तो एक ही आपका PIT होगा, ठीक है? तो ये भी बहुत ही अच्छी बात है कि आपका एक ही PIT होगा। जो भी अगर हेल्थ सिस्टम स्टडीज के चारों प्रोग्राम में सिलेक्ट में से तीन में हो चुके हैं या दो में हो चुके हैं, तो एक ही PIT देना पड़ेगा, अलग अलग नहीं देना पड़ेगा। और ये साइकोलॉजी वाला प्रोग्राम है मुंबई का एंड चेन्नई कैंपस का, उसमें भी एक होगा। तो यू आर रिक्वायर्ड टू अटेंड पर्सनल इंटरव्यू फॉर एवरी प्रोग्राम फॉर विच यू हैव बीन कॉल्ड फॉर, और पर्सनल इंटरव्यू अलग से सभी का देना पड़ेगा। इसमें क्या है कि अगर आप तीन सोशल वर्क प्रोग्राम में सिलेक्ट हुए हो तो एक PIT देना पड़ेगा, ठीक है? अगर आप हेल्थ सिस्टम स्टडीज में, पब्लिक हेल्थ हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन में सिलेक्ट हुए हो तो इसमें भी एक ही PIT देना पड़ेगा, या गुवाहाटी के कैंपस में सोशल वर्क प्रोग्राम में सिलेक्ट हुए तो एक ही PIT देना पड़ेगा। तीन प्रोग्राम में अगर सिलेक्ट हो गए, कुछ कुछ स्टूडेंट जैसे कि डॉक्टर स्टूडेंट पूरे हेल्थ सिस्टम स्टडीज़ के तीनों प्रोग्राम में अप्लाई करते हैं और तीनों में भी सिलेक्ट हो जाते हैं, तो एक ही PIT देना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे जब पर्सनल इंटरव्यू की बात
आती है तो तीन प्रोग्राम में सिलेक्ट हो रहे हो ना, तो तीनों का पर्सनल इंटरव्यू देना पड़ेगा आपको। सोशल वर्क के प्रोग्राम में अगर सिलेक्ट हो रहे हो, तीन सोशल वर्क के प्रोग्राम में, तो तीनों का पर्सनल इंटरव्यू देना पड़ेगा। पर्सनल इंटरव्यू विच हैव बिन कॉल्ड, पर्सनल इंटरव्यू फॉर एवरी प्रोग्राम विच यू हैव बिन कॉल्ड, सारे प्रोग्राम का पर्सनल इंटरव्यू होगा, चाहे एक ही ग्रुप का हो, एक ही ग्रुप के सारे स्टूडेंट क्यों ना हो। तो पर्सनल इंटरव्यू फॉर एवरी प्रोग्राम, अगर सोशल वर्क गुवाहाटी मुंबई या हेल्थ सिस्टम स्टडीज या साइकोलॉजी, तो एक ही PIT, ओनली वन PIT। वैसे बाकी सारे को अलग से PIT भी अलग अलग दो। जैसे कि अगर सोशल वर्क में, अगर मान लेते हैं डिजास्टर मैनेजमेंट में सिलेक्ट हो गया है, डेवलपमेंट स्टडीज़ में आप सिलेक्ट हो गए हो, और मान लेते हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में आप सिलेक्ट हो गए हो HRM, तो HRM का भी PIT देना पड़ेगा, डेवलपमेंट स्टडीज का भी PIT देना पड़ेगा, और आपका डिजास्टर मैनेजमेंट का भी PIT देना पड़ेगा। फिर पर्सनल इंटरव्यू भी देना पड़ेगा HRM का, डिजास्टर डेवलपमेंट स्टडीज का भी पर्सनल इंटरव्यू देना पड़ेगा, एंड डिजास्टर मैनेजमेंट का भी पर्सनल इंटरव्यू देना पड़ेगा। अब यही स्टूडेंट क्या है कि अगर वो हेल्थ सिस्टम स्टडीज में तीन प्रोग्राम में सिलेक्ट हो गया, मान लेते तीन प्रोग्राम में सिलेक्ट होता, लेकिन उनका PIT एक ही होगा। जब अगर तीन प्रोग्राम में अगर सिलेक्ट हो गए हो, दो प्रोग्राम में सिलेक्ट हो गए हो, तो एक ही PIT होगा। और पर्सनल इंटरव्यू इंडिविजुअली, अगर तीन में सिलेक्ट हुए तो तीन ही प्रोग्राम में आपको पर्सनल इंटरव्यू देना पड़ेगा। पर्सनल इंटरव्यू सभी के लिए अलग से है, और ये बातें लिखी गई है कि अगर आप SC हो, ST हो, OBC हो, PWD, कश्मीरी माइग्रेंट, आर्म फोर्स, EWS कैटेगरी, तो जब आप का वेरिफिकेशन होगा, जब आपको एडमिशन मिलेगा, जब ओरिजिनल वेरिफिकेशन होगा, वेरिफिकेशन ऑफ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट एट द टाइम ऑफ एडमिशन और एनी स्टेज, जब आपका फाइनल रिजल्ट में आप सिलेक्ट हो जाओगे, तो फिर आपको बुलाया जाएगा कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराओ। उस टाइम आपको प्रॉपर डॉक्यूमेंट होना चाहिए कि आप SC हो, ST हो, OBC हो, PWD हो, कश्मीरी माइग्रेंट हो, आर्म्ड फोर्स हो, EWS कैटेगरी हो, यही बात ये कहा गया है। ठीक है, ये जब होगा ओरिजिनल वेरिफिकेशन या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब होता है, जब आपको एडमिशन मिलता है। और एक पॉइंट को यहाँ पे क्लियर कर दूँ कि जो स्टूडेंट आप लोग कहते हो कि मैं तीन प्रोग्राम में तो सिलेक्ट हो गया हूँ, लेकिन इस दो प्रोग्राम बाकी दोनों प्रोग्राम में मैं PIT PI नहीं देना चाहता हूँ या पर्सनल इंटरव्यू नहीं देना चाहता, तो ये बिल्कुल भी मत करना, एबसेंट हो जाओगे। ठीक है, एबसेंट लिखा जाएगा। तो सारे ही प्रोग्राम का आपका जो भी प्रोसेस है, PIT एंड PI को देना ही पड़ेगा। और ये बात अभी से सोचना भूल जाओ कि अभी आपको एडमिशन मिल गया, अभी आपको एडमिशन नहीं मिल गया, ये सब मैं जानता हूँ। आप लोग सोचते हो कि मुझे एडमिशन मिल जा रहा है, इसलिए मैं दोनों प्रोग्राम में मैं नहीं जाके इंटरव्यू, पर्सनल इंटरव्यू या PIT दूंगा। नहीं, अभी आपको एडमिशन नहीं मिला, अभी किसको भी पता नहीं है कि कौन HRM में सिलेक्ट होगा, या HRM में भरे थे लेकिन सेकंड प्रेफरेंस वाले में एडमिशन मिल रहा है, या फर्स्ट प्रेफरेंस में एडमिशन मिलना चाहिए था तो थर्ड प्रेफरेंस में एडमिशन मिल रहा है। तो सारे PIT एंड पर्सनल इंटरव्यू का प्रोसेस पूरा करना है, और कहीं पे आपका अटेंडेंस होगा तो वहाँ पे जाके साइन ज़रूर करना है, वरना एब्सेंट ना आ जाए, क्योंकि पिछले ईयर ही एक स्टूडेंट का एब्सेंट आ गया था, रिजल्ट में, रिजल्ट में लिखा हुआ आ रहा था एब्सेंट। ठीक है, तो ये बिल्कुल गलती मत करना। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू। इसी तरह मैं आपके लिए इंपॉर्टेंट वीडियो लाते रहूँगा।